पाकिस्तान की जेल में 36 सालों से बंद भारतीय नागरिक गजानन शर्मा की रिहाई 13 अगस्त को होने की उम्मीद है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इसका आश्वासन एक प्रतिनिधि मंडल को दिया है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र पारीख ने नई दिल्ली से टेलीफोन पर बताया कि जनरल वीके सिंह ने पाकिस्तान जेल में बंद गजानन शर्मा की रिहाई 13 अगस्त को किए जाने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया है। जयपुर के रहने वाले गजानन शर्मा 1982 में घर से अचानक लापता हो गए थे। अचानक लापता हुए गजानन के बारे में परिजनों को उनके पाकिस्तान जेल में होने की जानकारी उस समय लगी जब 7 मई 2018 को पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से गजानन की राष्ट्रीयता के बारे में पुष्टि करने के लिए संपर्क किया और उन्हें बताया कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। पाकिस्तानी दस्तावेजों के अनुसार गजानन फॉरनर्स एक्ट में वहाँ की जेल में बंद थे। गजानन शर्मा की पत्नी मक्खी देवी 13 अगस्त को पति की रिहाई की खबर सुनकर बहुत खुश हैं। भारत सरकार के अनुसार गजानन के साथ पाकिस्तान की जेल में राजस्थान के बूंदी के युवराज और अजमेर के जयसिंह के लापता होने की फाइल भी राजस्थान सरकार के गृह विभाग को भेजी गयी थी। युवराज 5 साल से लापता था, अब युवराज की रिहाई की उम्मीद बंद ही है। युवराज कराची जेल में बंद है और उसकी हालत सही बताई जा रही है। फिलहाल तो गजानन का परिवार 13 अगस्त का इंतजार कर रहा है जब 36 सालों बाद गजानन शर्मा भारत की धरती पर आजादी का उगता सूरज देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।